गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी विल लर्न साइंस इन क्लास फिफ्थ। आज हम लोग कक्षा पाँच में विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर फाइव पार्ट पाँच पार्ट थ्री तीसरा भाग पढ़ेंगे। अब देखिए, तीसरे भाग में है मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियाँ, एंड मीन्स और मूवमेंट मीन्स गति, मांसपेशियाँ और मांसपेशिया की गति, मांसपेशियाँ कैसे गति करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मांसपेशियाँ यह शरीर को मूव करती हैं, हमारे बॉडी को क्या कहते हैं, मूव करती है, गति प्रदान करती है, गति देती हैं। मांसपेशियों के द्वारा ही हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, माने हर काम लगभग मांसपेशियों के द्वारा होता है। तो देखिए, मांसपेशियाँ क्या है उसके विषय में आप लोग हमारे साथ पढ़िए। मसल्स आर फ्लेशी मटेरियल्स दैट मूव different parts of our body। देखिए, muscles are fleshy materials। muscles मांसपेशियाँ यह मांस से बनी होती हैं। That means जो move different part, move means गति करती हैं डिफरेंट भिन्न भिन्न पार्ट मीन्स भागों में ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में गति करती हैं। तो आप लोग, और मसल्स क्या है, यह मांस, मांस क्या है, यहाँ देखिए जो मसल्स है, ये जो उभार होता है सब क्या है, मसल्स है, यह हमारे शरीर को मूव करती है। आगे देखिए, विदाउट मीन्स बिना मसल्स, बिना मांसपेशियों के, वी मीन्स हम, कुड मीन्स सकते हैं, नॉट मीन्स नहीं, ओपन मीन्स खोलना, आवर माउथ, बिना मांसपेशियों के हम अपने माउथ को, मुंह को नहीं खोल सकते हैं, मुंह, ये सब मांसपेशियाँ हैं, ठीक है। बिना मांसपेशियों के हम अपने मुंह को नहीं खोल सकते हैं, टू स्पीक, बोलने के लिए बिना मांसपेशियों के हम अपने मुंह को खोल नहीं सकते हैं। आर मीन्स या, ईट मीन्स खाना, वॉक मीन्स टहलना, एंड मीन्स और, टॉक मीन्स बात करना। बिना मांसपेशियों के हम खा भी नहीं सकते, टहल भी नहीं सकते हैं और बातचीत नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मांसपेशियाँ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मांसपेशियाँ, मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियाँ के प्रकार, मांसपेशी कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, एंड फंक्शंस मीन्स कार्य, संरचना या बनावट, स्ट्रक्चर में संरचना या बनावट। तो देखिए,
अपनी संरचना, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अपनी संरचना और बनावट के आधार पर मांसपेशियाँ तीन प्रकार की होती हैं, थ्री टाइप्स। कितने प्रकार की होती हैं? तीन टाइप की होती हैं। देखिए, पहला दिया गया है वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, इसको हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियाँ, स्वैच्छिक, जो अपने इच्छा अनुसार होता है उसे स्वैच्छिक मांसपेशियाँ या ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया है मसल्स, डिफिनीशन देखिए, परिभाषा, मसल्स विच आर अटैच्ड टू द स्केलेटन एंड अंडर आवर कंट्रोल इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स स्वैच्छिक मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ विच आर अटैच, जो कंकाल से जुड़ी रहती हैं, और अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे अधीन रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं, उसे हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। देखिए दूसरा है इन वॉलंटरी मसल्स, इसको हिंदी में कहते हैं अनैच्छिक मांसपेशियाँ, अनैच्छिक, जैसा कि नाम से आप लोगों को मालूम हो रहा है, अनैच्छिक माने यह अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता है, यह मांसपेशियाँ स्वतः अपना फंक्शन करती हैं, स्वतः कार्य करती हैं। देखिए आगे डिफिनीशन में देखिए, मसल्स विच आर नॉट आवर अंडर कंट्रोल इज कॉल्ड इन वॉलंटरी मसल्स। मसल्स विच आर, मांसपेशियाँ जो नॉट आवर अंडर कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, उसे हम अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं, इन वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। देखिए द मसल्स आर प्रेजेंट इन फूड कैनाल, यह मांसपेशियाँ कहाँ उपस्थित रहती हैं? फूड कैनाल, आहार नाल, ब्लड वेसल्स, आहार नाल और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में रुधिर वाहिनियों में, एंड लंग्स, लंग्स मीन्स फेफड़ों, यह स्वतः अपना कार्य करती रहती हैं। अब देखिए तीसरा है कार्डियक मसल्स। देखिए यह मसल कहाँ पाया जाता है, यह मांसपेशी कहाँ पाई जाती हैं? दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट, यह मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं, हार्ट मीन्स हृदय, कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट, हृदय में पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स बिगिन टू वर्क 7 months बिफोर बर्थ, कार्डियक मसल यह अपना कार्य शुरू कर देती हैं, बिगिन मीन्स शुरू करती हैं, टू वर्क मार कार्य 7 months, 7 महीने पहले, बिफोर मीन्स पहले बर्थ, जन्म के 7 महीने पहले से ही कार्डियक मसल अपना फंक्शन शुरू कर देती है, और एंड मीन्स और स्टॉप वर्किंग ओनली व्हेन ए डाइज, और कार्डियक मसल का कार्य कब समाप्त होता है? जब ओनली व्हेन ए डाइज, जब मृत्यु हो जाती है तब उसका कार्य
समाप्त होता है। 7 महीने पहले से शुरू होता है, जन्म के 7 महीने पहले से कार्डियक मसल अपना कार्य फंक्शन शुरू करती हैं और तब तक करती रहती हैं जब तक जो डाई मृत नहीं हो जाती है, मृत्यु नहीं हो तब तक वो अपना कार्य करती रहती हैं। तो आप लोग इसको रिवाइज करिए और लर्न करिए, बढ़िया सुंदर राइटिंग में इसको नोटबुक पे बनाइए। अब अगला पार्ट हम एक्सरसाइज के रूप में आप लोगों को सिखाएंगे और आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अब अगले पार्ट में एक्सरसाइज। थैंक यू।